आजाद नोडो थैंक यू वेरी मच तुम संग ज्वाइन कर आजाद थो एम क्यूम वाली खास तौर से डेवलपमेंट एम क्यूम रजा हारून अनीस एडवोकेट पार्टी में शामिल थे पीपल्स पार्टी में इन हवाले से अपडेट्स हैं मोहसिन साहब ये थो मिसाल तौर पर जैसे आसफ अली जरदारी साहब खास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ को जो इमरान खान के हटाए शहबाज शरीफ के वजीर अजम ठाए सके तो उन्हें शहबाज शरीफ के कराची आमद के मौके से यो पैगाम दे सके तो भले इतिहाद कर पर अवान इतिहाद जो आऊँ पारों कि कटिया योड़ी ताशवार रांद कई है अज यको हो सुबह चौको लगो तो छका भी लगता यो मामलो केतन दिन का हल पो जैमें एम क्यूम जहा केतरे नाला मशहूर पीपी जहा कई अगुवान गालबोल कह रहा है जैमें अगुणो गवर्नर इशरत अलबाद वो सफा मरणा भी खाई परणा भी खाई आसफ साहब के इंतई दौर में तमाम वेझो रो संजीदा रो उन केतरा मामला पा उनकी शेयरिंग रही है खास तौर पर एम क्यूम के मामलों से या सिंध हुकूमत के मामलों से उन रही है वो पा भी रजामंद हो तो वो एम क्यूम के छड़े किनारा कश्त है पर छे अची बाजबा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थे इन हवाले से बुध है तो उन जरदारी साहब से कई राबता भी कया जैमें अगुणो वफाकी वजीर है बाबर गौरीब है हैदराबाद रिजवी भी है रजा हारून भी हो अनीस एडवोकेट भी हो इस तई कुछ बया टे चार नाला अड़ा जी भी इन फहरिस्त में शामिल हुआ पर अज ये मूल जी मौजूद हुआ उन मौजूदगी फायदे वरतो उन वक्त उन्होंने मुलाकात कई आसफ अली से जैसे अज साबिक अगुणे वजीर अजम शहबाज शरीफ मुलाकात कई है पेंे उन्होंने एम क्यूम बहादुराबाद वालों से पीर पागार से पीर पागार मामलो ना हिलुक मामलो जो है पीपल्स पार्टी ला बाकी सिंध ना जी टेवी जिला उन तरजीहत में शामिल जरूर पर सियासी तौर पर उन फोकस जो है कराची हैदराबाद कराची हैदराबाद में अड़े मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझे तो घट में घट असो सेहत ठही वे खास तौर पर नस्ली बुनियाद जो माजी में सियासत थी उन बो यो थो तो इन सागे मियाँ नवाज शरीफ जैसे कराची में ऑपरेशन करा हो जैमें एम क्यूम जहाँ अगुवान दाहों कह रहा एहतजाज कह रहा प्रेस कॉन्फ्रेंसू कह रहा प्रेस क्लब के अगर एहतजाज कह रहा मिसिंग पर्सन वो आसफ अली जरदारी दौर में कौन थे या कायम अली शाह मुराद अली शाह के दौर में कौन थे ये थे हुआ नवाज शरीफ दौर में जो इपेक्स कमेटी फैसलो थो बाकायदा वफाकी समूह सियासी इदारा गर्जी कर फैसलो किया कार्रवाई क्यों वफाकी इदारा उन वक्त नवाज शरीफ के मत हुआ कुछ मुराद अली शाह या साबिक सदर आसफ अली जरदारी आजाद शहबाज शरीफ साहब खुद पैंजी स्पीच में जगह मीडिया से टॉक कई उनमें चयो सही अस भत्ते जी पर्ची जी सियासत के खत्म कयोसी पर यो उनके के न चयो भाई पीछे तो देखो वो गाल सजी आए तो वही मानो हुआ उनते इल्जाम हलना रहा हुआ हाँ अज गड बीठा हुआ पर हाँ ही पाक पवित्र थी हाँ जो एम क्यू पाकिस्तान और हाँ वाले इन गड बीठा ये वो मिसिंग पर्सन भी सब उनके विसरी वह हाँ इन इरादो यो है असा कें न कें तरीके से असा जी सीटू विन वो शहबाज शरीफ से कें न कें तरीके से मामला तय कर वो सीटू हासिल कर पर थो यो तो इन से एम क्यूम जो लूज कंदी छो जो कारकुन जो वर्कर जो तबको है वो न चाहे तो असि एम क्यूम कहीं कें इतिहाद की खास तौर पर रही ना एक बिन मामलों का सवाल तो वो कें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की सरकार पार्टी से नवाज शरीफ पार्टी से इतिहाद कंदा कि इलेक्शन इतिहाद में न रहन पर हुकूमत में न तो शामिल रहन तकरीबन हर हुकूमत में शामिल थी वा ये तो उन्होंने रिकॉर्ड रो है वो बिल्कुल रहन पर मामलो ये तो कारकुन जो हिंदी वर्कर जो है मुझे पाड़े में रहो या मुझे आसे पास मुझे मुलाकातों करें तो वो चाहे तो असि एम क्यूम वह होके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में मामला सफाई जहा मामला तरक्या जहा मामला पानी जहा मामला ये मामला हल कर वो मुस्तफा कमाल ऐसा तो चाहन था पर जैसे मुस्तफा कमाल या फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी जैसे कहीं भी सियासी पार्टी से इतिहाद करने की गाल कह जैसे कारकुन नाराज हैं तुम ठो एम क्यू पाकिस्तान जहाँ सारी कराची में जलसा थे मुख्तलिफ टाउन्स में जलसा थे पर चवन था हि टाउन जहा मूँ और दावा से चाहूँ तो हि टाउन जहाँ पूरी कराची हैदराबाद जहा मूँ गुड कन था उनके बावजूद वो जलसो नो जलसी था कन हाँ सूरत यह वही बीछी है का गाल असा लिकी ना एम क्यूम जी अगर दोमन कंदी हुई जलसा कंदी हुई मूँ किथा आने हाँ किथा आने बसों भरजी अचन को उमर मीरपुर खास में अचन पाया को हैदराबाद में अचन पाया को सखर में अचन पाया को नौशर फिरोज में अचन पाया को टंडो अरहर में अचन पाया उनके बावजूद ही हजारे मान जो जत्थो गड कर नी सके हाँ तो इन अंदाजा लगे तो इनको कारकुन जो वर्कर लडो है वो किथे है बी गाल जे इलाक सतह से चंगा चंगा मोतबर जो मू हुआ जो एम क्यू हिस्सों रहा एम एन एस रहा एम पी एस रहा सेनेटर वो ऑलरेडी इनका अग में ही बलदियाती चूंडन के दौरान या उन अग में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिस्सों रही चुका है अड़ो को अगुवान बुधाया जो इन वक्त ताई जो मुस्लिम लीग नवाज के चाहिए हो जो कोई हले लाडले वो शो किथा इशारो मिले हो तो उन दौरान वो वही नू लीग में शामिल थे जर शहबाज शरीफ मजबूत जो अगे इलेक्शन में जाहिर कन पाया जर यो महसूस करें रजा हारून या अनीस एडवोकेट तो नू लीग में शामिल थे पर मामलो यो तो अनीस एडवोकेट तबर एम क्यूम जगह अगूणी हुई उन पिलर जो हुआ यो खास तौर पर हैदराबाद
मीरपुर खास जो खास तौर कायम खानी कबीलो जो गुजरात है राजपूत ये हुआ अनीस कायम खानी भी अनीस एडवोकेट भी शबीर कायम बारा बैक्स वगैरह मिलाए कर ये माना किंग हुआ एम क्यूम के ऐसे सब कुछ ये हुआ हाँ उसे साग्या मूल जी पिलर हुआ वो एम क्यूम जो हाँ वाली पाकिस्तान वाली उनके छे वन पा कह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छो जो उन्होंने वास्तव मीरपुर खास में हैदराबाद में कराची में उन्होंने जातियन से उन्होंने मानून से आए जे समाजी तौर से या सियासी तौर से उन जुड़ल उनकर वो चाहन था असो वक्त गुजारे पर आजाद आजाद ये तो सुठी गाल उर्दू गलहद कायम खानी बया जे भी राजपूत जे भी अनीस एडवोकेट है खुद इन जैसे कम्युनिटीज पीपल्स पार्टी में शामिल थी या कें भी सिंधी गालाइंद पार्टी से शामिल थन थी जहर उन बेस घो हुआ तो ये तो मान खान सिंध के मुफाद में ये गाल जी थे तो ये बिल्कुल मोहसिन साहब जैसे इन असा मानों जहाँ रिश्ता थन पा शादियों थन पे सब कुछ थन मामला थन पा समाजी तौर से गड हूँ सियासी तौर से असा एक बे इख्तिलाफ़ रखू था वो किन मामलों के करे जबान के करे या कुछ मामलों के करे वो हाँ जैसे इन सदी में जैसे खत्म थन था मामला अगत इन सुी पहल थे थी इन असो इतराज़ ना पर गाल है हाँ जो रवश जो नसली रवश है वह खत्म थन घुर्जी ए जैसे अनीस एडवोकेट या रजा हारून वा ये सोच रखा असि इन सोच के सलाम पेशा क्यों छो जो इन बेहतर फैसलो कर जमहूरी पार्टी में घट इल्ज़ाम यो तो ना तो इनको मानू मारा इनका टारगेट किलिंग कई है बंद बोरू लाश डा घट पार्टी उन इल्ज़ाम बया खोड़ थी सकता पर अड़े किस्म जो को पर आजाद तुम समझो था रजा हारून अनीस एडवोकेट रजा हारून तो चलो कराची थो अनीस मीरपुर खास जो थोड़ा थोड़ो घो थे जो हों वोट बैंक हों पर कराची में जहर पीपल्स पार्टी जो वो क्लेम है बल्दियाती चूडन में भी काफ़ी कामयाबी हासिल कई कराची के काफ़ी तकन था तो समझो था ये जो अगवान हैं पीपल्स पार्टी में अचन पाया तो डॉक्टर इशरत लिबाद साहब भी शामिल थे कोशिश है डॉक्टर सगीर है बाबर गौरी है हैदराबाद रिजवी है ये वड़ा नाला एम क्यूम जहाँ जो सारी एम क्यूम की कैबिनेट में हुंदा हुआ ये मानू कराची में पीपल्स पार्टी लाइ सीटू कढ़ने में कामयाब थींदा जेकर टिकट मिले थी जेकर बीहन था सच्ची गल इन वक्त कराची जो मेयर जो है वो मुर्तजा वहाब है कहीं तुम सवाए एम क्यूम के सवाए हाफिज नईम के सवाए कें भी सियासी जमात के को कराची में उर्दू गल को नौजवान या एम क्यूम जो कारकुन बुधा तो मुर्तजा वहाब गलत है कहीं जबान कें टीवी चैनल से तुम साठ बुध हों मेयर कराची तबाही करे को मूँ गाल तैयार न मेयर के खिलाफ मेयर कराची भी उन्होंने है पीपल्स पार्टी जो सभी मेयर है पर उर्दू गाल चाहे तो ठीक है असने मेयर अच्छे उर्दू गाल मूँ अजक जबान से भरोसा मामलो जबान जो भी है ना है खास तौर सिंधी जबान हो उर्दू हो पंजाबी हो सराकी बलोच कड़ी भी पर यह जबान मामलो भी है इन के हेलोको तुम तो खड़ी चो पीपल्स पार्टी सिंध के बिन जिलों में कम ना इल्ज़ाम हुए हकीकत हुए मामला पैं जगह मौजूद है पर पीपल्स पार्टी पैं दौर में कराची में काफ़ी हद तक कम करा और पा कराची के केतरा इलाका कवर कह असाइनमेंट से ऐसा तो ये रोड इस तरह अस कें जमाने में बल्दिया सॉरी गुलबई का वह मनोरे ताई यो रोड अस कलाक या कलाक तय कहे एक असाइनमेंट तुम वोस उत पार्क जो इफ्ताह हो उन्हें वोस इतना डिफेंस का पंजी का टी मिनट लगा मुझे मनोरे ताई जो टे का चार कलाक लगता है यूनासाबाद वो गोठ बेट जी इस तई हाँ तुम ऐसो हि अड़ा इलाका इंडस्ट्रियल एरिया वाला इलाका या नाजमबाद तुम ऐसो डिफेंस का पोष इलाको लगो पे तुम कड़ो तुम इलाको ऐसो सवाए गुतल आबादी जिते गैर कानून आबादकारी थी या तमीरत कम थन उन्होंने सवाए कराची में कम थे ही तो जर कुछ ही गल एम क्यूम कर तल्लुक रखा जो मूँ अगे में अची चुका या जो नवा अचा अचन पाया या जो मेयर कराची की कारकर्दी है इन सभी के पा मिलाई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी सीटों उन्होंने वधी खटी सके थी पर लूज को कहीं माना यो एम क्यूम के माना यो तुम समझो था मूँ जहर एम क्यूम के असर पवो धचको लग पर ये मानू इलेक्शन खटे सकन जी पोजीशन में आहिन कुछ सीटन ते जेके कराची सेंट्रल जो खास तौर ते ईस्ट में कुछ वेस्ट में साउथ में कुछ सीटू कढ़ी सकन जी पोजीशन में भी अंदर शे बुधा एम क्यूम एकड़ी विंग होंगी खवातिन विंग जैसे गाइडलाइन से कम कंदी उन्हें सरबराह होंद अनीस एडवोकेट ए हों इशरत लुबाद बाबर गौरी हैदराबाद रिजी बात रिसर्च स्टडी थी स्टडी प्रोग्राम थन्दा उन्हें कहता तो इलेक्शन की रात तक करो है तो इन औरतू जो रात के पैर में बारह बजे का हर घर के अगर कुंडी वजाए चवन भाई फलाने की पारत हुई वोट असा ना तो मेहरबानी घर के बाहर निकलो ये बाक इंतखा मुहिम चव हल्द हुई ये माँ सागे मुझे घर में आयु लाइन जरा भी रहो उ वोट कजो हाजिर हुआ हल हाँ जी बाजी सिस्टम के हलने वाले मूँ हुआ वो आस्ते आस्ते वजन पे हाँ जी बाजी एक पास थी वही बाकी जैसे बोर्ची का पास थी बाकी छड़ो वो करो घर में होटल मानी होटल वाली मानी वो जायक वाली ना होती बाजी वाली मानी जायक वाली हाँ सूरत लिया बाजी ग्रुप है बाजी ग्रुप है कटी वो बाजी ग्रुप माना यो अनीस एडवोकेट बाबर गोरी
इन अचण से बाजी ग्रुप खत्म थी बाजी ग्रुप मुनजम ग्रुप हो जो जलसे में कामयाब कदत होंगी हाँ तुम जलसे में कारकुन वो जरूर है पर बाजू घटन मन तुम अंदाजो लगा तो हाँ बाजी सिस्टम एक पास थी तो बाकी तुम पा समझो अंदाज इन में लगा तो हेलोको औरतू जी खास तौर से जी पीटीआई के पोस्ट इलाक में औरतू रोज निकता हुआ ये हेलोको एम के एम जो औरतू इन चवण से बाहर निकलियो उनके वोट को समझो था बाजी ग्रुप है या बाजी मैकेनिज्म है यो पीपल्स पार्टी के वोट में ट्रांसफर थी सकंदो है मानू पीपल्स पार्टी के वोट देण ला निकरंदा इन तक हां थिंदो छ असल में जो इन जो बानी है जो होरे परे बैठो चाचो वो जे कदे कंदो मुखे जे केतला मिलो ऐलान कंदो रात जो इलेक्शन का बडी अग में 24 कलाक के अंदर चंदो असा जो इन इलेक्शन को वास्तो ना है असा जुल्म थियो ही थियो कराची वान इस्तेहसाल ही थियो हु थियो मामला थींदा हू बायकाट जो ऐलान कंदो जे बायकाट जो ऐलान कंदो जो वीडियो वायरल थींदा सोशल मीडिया से इन के कारकुन तक पुडंदा जे वट उन नंबर शेयरिंग सिस्टम आए सिस्टम आए उन उन परेशान थींदा जी इन बलदिया चुनाव में बायकाट ऐलान कर बायकाट ऐलान को माना अताब जो शिकार थींदा परेशानी मुबतला थींदा इलेक्शन मुहिम वोटर के तरजीह देने के बदल सारी सोच डाइवर्ट थी होदा उनके हाँ फेस की क्यों और उनका ये फायदो कें फायदों बाजी सिस्टम असारे पास डाइवर्ट थो और बाजी वहीं पोलिंग थप्पा हणंद थप्पा लगता तीर के शाम जो पीपल्स पार्टी नतीजा पैं वो पोलिंग जो एम के वन असर एतरा अगत आगे पीछे अचानक नतीजा इंदा फलाना हमरा कामयाब एस तीन नतीजा अची वा जो मूँ पा पा सोचिंदी तो हम तक में फलानी पार्टी जो मुकाबलो हो ही कि अची वो यो ये नतीजा इं कादर मधुखल की इलेक्शन खटी हुई ना उन साग तरीके से हे नतीजा भी इंदा घने भांगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ उम्मीदवार कामयाब थन्दा छो जो न रुगो कारकर्दगी बुनियाद उन सियासी जोड़ तोड़ शुरू किया है हाँ वो उन छो जो हू नू लीग के उम्मीदवार कराची में कड़ा चंगा खासा को मूँ एतमाद कर सवाए एक बिन सीटन का सवा छा है उनका शहबाज शरीफ हाँ मामलो छा है शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ से आजाद गाल शहबाज शरीफ जो कराची में पेनिट्रेशन पैं कर पे पा गए।